अस्सलाम वालेकुम। अच्छा है कि हम जो है मैं आपको बता दूं कि हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली हमने क्लास 10th फेडरल बोर्ड फिजिक्स के पास्ट पेपर्स जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट किए हैं। ये बेसिकली हम 2019 का पेपर जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो इसका जो सेक्शन वन था इस पेपर का, 2019 के पेपर का, वो मैंने आपके साथ जो है लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और वो लेक्चर आपको क्लास 10th फिजिक्स पास पेपर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और चलें उसी की ये कंटिन्यूटी है पेपर की। ये बेसिकली सेक्शन बी है और आप लोगों को पता है कि सेक्शन बी में आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 15 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 11 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। और बेस्ट 11 क्वेश्चन जो है वो हमेशा पहले आप लोग सॉल्व किया करें, उसके बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप बेशक अटेम्प्ट कर दिया करें, ताकि अगर पहले 11 में से किसी क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स की जगह 2 मार्क्स मिले हैं और 11 के बाद आपने कोई क्वेश्चन किया उसमें किसी में आपको 3 मार्क्स मिल गए, तो फिर आपका वो वाला क्वेश्चन जो है वो कंसीडर हो जाएगा और जिसमें आपके कम मार्क्स होंगे वो खुद बखुद कट ऑफ कर दिया जाएगा। तो लेकिन ये कि कोशिश ये किया करें कि जो आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं आप वो ही जो है पहले अटेम्प्ट किया करें, नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश किया करें, बहुत ज्यादा कटिंग जो है वो अवॉइड किया करें। और चलें अब बिना वक्त जाया किए वीडियो का आगाज कर लेते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी का जो है क्वेश्चन नंबर वन जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स फेज विद सुइटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन है कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फेज में जो है वो आप डिफरेंस बताएं और एग्जाम्पल्स दें अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, मतलब आप लॉन्गिट्यूडनल वेज और ट्रांसवर्स वेज में क्या फर्क है वो हमने बताना है। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है ना जिसमें आपने दो चीजों के दरमियान डिफरेंसेस बताने हो, तो एटलीस्ट आपको 3 डिफरेंसेस जो है वो दोनों के दरमियान जो है वो बताने चाहिए, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन होता है और 3 फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट है डिफरेंसेस की। अगर आप 2 बताएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, आप 3 बताएंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और ये डिफरेंसेस किस तरह से करने होते हैं एक चीज याद रखिएगा, इसी को एग्जांपल ले लें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स। एक डिफरेंस तो इनमें जो होगा वो होगा, इसकी अपनी डेफिनेशन होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, ट्रांसवर्स वेव्स की एक अपनी डेफिनेशन होगी, तो एक डिफरेंस दोनों की डेफिनेशन को होगा, एक डिफरेंस फिर एग्जाम्पल्स को होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अलग एग्जाम्पल्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स की उसके बरक्स और एग्जाम्पल्स हैं। फिर ये डिफरेंस हो सकता है कि कौन से मीडियम में जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की प्रोपोगेशन इजी होती है और कौन से मीडियम्स में ट्रांसवर्स वेव्स की मीडियम प्रोपोगेशन जो है वो इजी होती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई एज सच पिन डिफरेंस पता हो तो वो आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, वरना 3 मिनिमम डिफरेंसेस जो है वो मोर देन एनफ होते हैं। चलें इसका आंसर दे लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में डिफरेंस जो है ये है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं इनमें जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो वाइब्रेट करते हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है, जबकि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं इनमें जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन जो है वो मूव करते हैं। तो 1 मिनट वेट कीजिएगा। सिर्फ 1 मिनट। ओके मैं आपको क्या बता रहा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल्स जो हैं मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जो है वो वाइब्रेट करें, जबकि ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो
वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ये हर तरह के मीडिया में जो है वो पॉसिबल होती हैं, चाहे सॉलिड्स की बात करें, लिक्विड्स की बात करें, गैसेस की बात करें। इसके बरक्स जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं इनकी प्रोपोगेशन जो है वो सिर्फ सॉलिड्स में जो है वो पॉसिबल होती है। तो ये एक बड़ा मेन डिफरेंस है दोनों में। इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं इनमें हमारे पास जो है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है वो रीजन्स होते हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव्स जो हमारे पास होती हैं यहाँ पे हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ्स का जो है वो कंसेप्ट जो है वो होता है। और एग्जांपल्स भी देनी है क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो एग्जांपल्स हैं वो साउंड वेव्स हैं, जो हम बोलते हैं, जो हमारी आवाज एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाती है वो बेसिकली जो है वो वेव्स ही होती हैं, जो हमारी आवाज को जो है जो हम बोलते हैं हमारे दोस्त तक जो है उसके कानों तक लेके जाती हैं, तो वो बेसिकली साउंड वेव्स होती हैं। और ये कैसे ट्रेवल करती हैं, ये बेसिकली कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के थ्रू जो है वो ट्रेवल करती हैं। इसके अलावा जो स्प्रिंग वेव्स होती हैं वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और ट्रांसवर्स वेव्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है आपकी लाइट है। लाइट को बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन इनका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक इनका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके अलावा जो स्ट्रिंग वेव्स होती हैं, रस्सी पे जो हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी बेसिकली हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स में क्या डिफरेंसेस हैं? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें हमारे पास जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिसमें हमारी वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही है। प्रोपोगेट करने का मुराद ये है कि जिसमें वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है, जबकि ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें हमारे पास मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में नहीं मूव करते, बल्कि उस जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल जो है मीडियम के वो मूव करते हैं। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हर तरह के मीडियम में जो है इनकी प्रोपोगेशन जो है वो पॉसिबल है, जबकि ट्रांसवर्स वेव जो है सिर्फ सॉलिड के अंदर जो है इनकी प्रोपोगेशन जो है वो पॉसिबल होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो कंसेप्ट जो है वो होता है, और ट्रांसवर्स वेव्स में हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। और एग्जाम्पल जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वो साउंड वेव्स हैं, स्प्रिंग वेव्स हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब कि लाइट और स्प्रिंग वेव्स हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर वन था जिसे हमने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। ये भी देखें डिफरेंसेस ही हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डराइव आर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। अब इस क्वेश्चन के भी जो है वो आपके पास दो पार्ट हैं। एक पार्ट को आप सही आंसर कर लेंगे तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन को आप फिर सही आंसर करेंगे तो आपको मजीद 1.5 आंसर मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। बाज़ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो उन्हें ये पार्ट नहीं आता या इतना सही नहीं पता, तो वो इसके ऊपर ही पेजेस के पेजेस जो है वो भरना शुरू कर देंगे और उनका ख्याल होता है कि उन्हें 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें मिलता 1 या 1.5 ही है। उसकी वजह भी यही है ना। देखें इस क्वेश्चन के क्लियर पता चल रहा है कि दो हिस्से हैं, तो जब 3 नंबर टोटल हैं तो जहर है फिर 1.5 इसके हैं और 1.5 इसके हैं। 1.5 सिर्फ इसके हैं, आपने लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के दरमियान डिफरेंसेस बताने हैं। डिफरेंसेस में हमने मैंने अभी आपको बताया कि आपकी डेफिनेशन आएंगी, एग्जाम्पल्स आएंगी, और कोई अगर आपके पास यूनिट्स हैं तो यूनिट्स आएंगी, डायमेंशन हैं तो वो आएंगी, क्वान्टिटी की नेचर क्या है वो आएंगी, और फिर ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिनिमम 3 डिफरेंसेस जो है वो जरूरी हैं, फिर एक रिलेशन जो है आपने लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के दरमियान ड्रा कर देनी है, वो बेसिकली यकीनन जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म होनी है। ठीक है, चलें पहले हम डिफरेंसेस देख लेते हैं लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के दरमियान। जो लाउडनेस है ये क्या होती है, लाउडनेस होती है सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय साउंड ऑन आवर ईयर्स इज कॉल्ड लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस क्या है, ये बेसिकली जो हमारे कानों के ऊपर जो है साउंड की वजह से जो सेंसेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम लाउडनेस कहते हैं। जबकि इंटेंसिटी क्या है, साउंड एनर्जी फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जो साउंड एनर्जी फ्लो करती है एक यूनिट एरिया से जो कि
साउंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो और यूनिट टाइम में हो उसे इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं, ठीक है। और लाउडनेस की कोई यूनिट नहीं होती, जबकि इंटेंसिटी की एसआई यूनिट जो है वो वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। लाउडनेस जो है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जबकि इंटेंसिटी जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी का पता है क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो फिजिक्स की जबान में मेजरेबल हो, जिस तरह मैस हो गया आपका, आपकी लेंथ हो गई, तो ये सारी जो है फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जबकि लॉन्गनेस जो है ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं, इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और लॉन्गनेस जो है ये डिपेंड करती है कि हमारे कान की जो कंडीशन है वो कैसी है। अब जवान बच्चे हैं तो उनकी लॉन्गनेस की जो कान की कंडीशन है वो बहुत अच्छी होती है, और वो बड़ी क्लियरली जो है लाउड और फेंट साउंडनेस में जो है वो डिफरेंसेस कर सकते हैं। जबकि जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके कान की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए वो उन्हें दो जो है वो थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम होता है। और इंटेंसिटी जो है ये हमारे ईयर की कंडीशन के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती। तो लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंसेस हमने देखे कि लाउडनेस जो है ये बेसिकली हमारे पास सेंसेशन होती है जो आवाज की वजह से हमारे कानों के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस होती है, जबकि इंटेंसिटी जो है ये साउंड एनर्जी है जो फ्लो करती है एक यूनिट एरिया से, जो के साउंड जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर होता है और यूनिट टाइम में होता है, तो इसे हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। लाउडनेस की कोई यूनिट नहीं है, इंटेंसिटी की वाट पर मीटर स्क्वायर जो है वो यूनिट है, लाउडनेस कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो एक फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी है। लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है हमारे कान की कंडीशन के ऊपर, जबकि इंटेंसिटी हमारे ईयर की कंडीशन के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती, ये उसके जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं कि लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप क्या है। लाउडनेस को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। तो जो लाउडनेस होती है ना हमारी, वो इंटेंसिटी के लॉगरिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लॉगरिथम का मतलब ये है कि लॉग के, तो यही जो ऊपर वर्डिंग लिखी है कि लाउडनेस एल ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी, यहाँ पे इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिए कि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई, कि लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के लॉग के। आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो हम खत्म करते हैं तो एक हमारे पास कांस्टेंट आता है, तो इस केस में जो कांस्टेंट आता है वो के कांस्टेंट होता है, ठीक है, वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो एल इक्वल टू के लॉग ऑफ आई, तो कांस्टेंट क्यों आया, इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो ये रिलेशन है बेसिकली लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान। लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है, जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारे पास साउंड की लाउडनेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन सिर्फ इंटेंसिटी के नहीं, इंटेंसिटी के लॉग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होती है तो एक कांस्टेंट आता है जो कि हमारे पास यहाँ पे इस केस में के होता है, ओके। ये हमने क्वेश्चन नंबर टू देख लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इज मीन्ड बाई प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस बी अ कनकेव लेंस। दो चीजें पूछ रहे हैं इस पार्ट में, एक तो ये कि प्रिंसिपल फोकस बताना है कि कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस से क्या मुराद है और कनकेव लेंस के प्रिंसिपल फोकस से क्या मुराद है। फिर आगे कह रहे हैं, इलस्ट्रेट योर आंसर विद रे डायग्राम, कि अपने आंसर को जो है वो डायग्राम बना के जो है आप जो है वो सपोर्ट करें। हमने अब क्या करना है, हमने एक तो बताना है कि कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है एक रे डायग्राम बना के, फिर हमने बताना है कि कनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है अगेन जो है वो एक डायग्राम बना के। तो पहले कन्वेक्स लेंस को देख लेते हैं। कन्वेक्स लेंस क्या होती है, द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रेक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट एफ। क्या कह रहे हैं कि जो लाइट रेज होती हैं जब वो कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती हैं,
तो रिफ्रैक्शन के बाद वो एक पॉइंट पे जो है प्रिंसिपल एक्सिस को मिलती हैं, उसे हम प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट जो है वो कहते हैं, और इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ डायग्राम दिखाई है, देखें ये हमारे पास जो है वो कन्वेक्स लेंस है, ये इसका जो है सेंटर है, और ये बेसिकली क्या है, इसका प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस है ये पॉइंट जो है। तो यहाँ से हमारे पास क्या लाइट रेज जो है वो आ रही है, और ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस की जो है वो पैरल आ रही है। ये बेसिकली सेंटर जो है ना, ये सेंटर है कन्वेक्स लेंस का, और ये जो लाइन है सेंटर से जो गुजर रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जो हमारे पास लाइट रेज है ये यहाँ से क्या आ रही है, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल आ रही है। और ये क्या होता है, जब यहाँ से रेज में कन्वेक्स लेंस में इंटर होती है, तो यहाँ से जब ये रिफ्रैक्ट होती है तो ये एक पॉइंट पे आके जो है मिलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, और जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, उसे हम जो है प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट जो है वो कहते हैं, और इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आसान अल्फाज में ऊपर, अब आप उसे भूल जाए जो आपके पास जो वर्डिंग लिखी हुई है, आप डायग्राम पे फोकस करें। ये देखें, हमने बताना है कि कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ये एक कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ठीक है, ये इस कन्वेक्स लेंस का सेंटर है। ठीक है, इस कन्वेक्स लेंस के सेंटर से जो लाइन गुजर रही होती है वो हमारा बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस होता है। और ये देखें, ये हमारे पास बहुत सी लाइट रेज आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है। अब ये लाइन सारी क्या है, लाइट रेज क्या है, ये इस हमारे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरल पैरल है ना, क्योंकि ये जहाँ जहाँ ये इसके बिल्कुल पैरल है, परपेंडिकुलर तब होती है अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये यूं आ रही होती है ऊपर से या नीचे से, लेकिन ये इसके पैरल आ रही है। तो लाइट रेज जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस किसका, कन्वेक्स लेंस का, तो जब ये इस कन्वेक्स लेंस में इंटर होती है तो फिर क्या होता है, ये रिफ्रैक्ट होती है सारी लाइट रेज। जब रिफ्रैक्ट होती हैं तो ये एक पॉइंट पे जो है आके मिलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और जिस पॉइंट पे ये सारी रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद मिलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसे हम प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट एफ जो है वो कहते हैं। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल फोकस होता है कन्वेक्स लेंस का। अब सेम चीज समझते हैं हम कनकेव लेंस के लिए। देखें, ये हमारे पास अब कनकेव लेंस है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं कनकेव लेंस का, और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है उसी तरह। तो ये हमारे पास लाइट रेज आ रही है, और जब ये हमारे पास इस हमारी जो कनकेव लेंस है इससे आके जब स्ट्राइक करती हैं तो क्या होता है हमारे पास, ये फिर हमारे पास पैरल हो जाती हैं। ठीक है, पैरल हो जाती है, ये किसी एक पॉइंट पे आके जो है वो मिलती नहीं है, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस होती है, वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है लाइंस को, जबकि कनकेव लेंस जो है ये डाइवर्जिंग लेंस होती है, ये दूर लेके जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, कनकेव लेंस पैरल अपियर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द लेंस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा लग रहा होता है, देखें ये एक रियल लाइट आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, ये इधर को बेंड हो गई, ये इधर को बेंड हुई, ये इधर को बेंड हुई, ये इधर को बेंड हुई, तो ये अगर प्रिंसिपल फोकस है हमारा इस तरह यहाँ पे भी है, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जो पैरेलल हमारे पास आ रही थी ये क्या हो गया, ये हमारे पास इस पॉइंट से जो है लेंस की जो है बिहाइंड चली गई। तो कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है, और कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है। और कनकेव लेंस में हमारे पास क्या होता है, ये जो पैरल रेज आ रही होती हैं किसके पैरल, प्रिंसिपल एक्सिस, कनकेव लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरल रेज आ रही होती हैं ये क्या होती हैं, ये हमारे पास ऐसे लगता है कि ये ऐसे पॉइंट से आ रही है, ये देखें ये कैसे पॉइंट से आ रही है जो कि लेंस के बिहाइंड है, उससे जो है हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और ये प्रिंसिपल फोकस है किसका, कनकेव लेंस का। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो चलें, ये तीन क्वेश्चन अभी हमने शॉर्ट देखे हैं फिजिक्स क्लास 10 2019 के पेपर के, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर तक, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।